उत्तर प्रदेश में किसको मजबूत मान रहे हैं आप, राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को? चंद्रशेखर आजाद आप देखो तो सही, हरा दिए। देखो भाई एनडीए अलायंस को भी हरा दिए और इंडिया अलायंस वालों की जमान जब्त करा दी, और एक और राष्ट्रीय पार्टी थी उसको 1% वोट मिला। अब हमसे मजबूत, अब नहीं लड़े ना सब सीटें लड़ते तब आपको पता लगता है कौन मजबूत। चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं आप ना, सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने 24 में छोड़ दिया कि चलो आप लोग लड़ो, कल ये मत कहना कि आपकी वजह से हार गए। लेकिन अब आप मजबूती देखना वोट के आधार पे, हमारी नई पार्टी है, झंडा लोगों तक घर तक अब पहुंचा, निशान अब तो घर तक पहुंचा, अभी और बहुत कुछ, अभी तो हमारी पॉलिसियां जा रही है। तो आप देखना जब 10 सीटों का रिजल्ट आएगा उस दिन आप बताना कि कौन मजबूत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उतनी ताकत देती है जिसमें आदमी का दिमाग खराब ना हो, और हमारा दिमाग खराब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश में आप सबसे मजबूत हैं, देश में किसको मजबूत मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? जनता को, देश में देश की मान जनता मजबूत है। किसी को भी अहंकार होता है तो अहंकार ठीक कर देते जैसे देश में कोई हो जाए। आप देखो सत्ता के लोगों को अहंकार था। अच्छा मेरा सवाल ये, 400 पार क्यों चाहती थी बीजेपी बताओ, करोगे क्या 400 पार लेके? सरकार तो बन रही है आपकी 200-350 के करीब जाके, 272-274 में बन जा रही है, तो आप 400 पार लेके क्या करना चाहते? तो सर जनता ने कहा कि अच्छा अब घमंड आ गया तो चलो आपका घमंड तोड़ देते, बहुत करीब से बचे हैं सर। लेकिन तो बीजेपी कहती कि आप लोगों ने भ्रम फैला दिया, संविधान बचाओ आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसलिए उनकी सीटें देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। कोई भ्रम फैला देगा और वो बेवकूफ बन जाएंगे, मेहनत करके कमाते हैं भाई, बेवकूफ नहीं है कोई भी, सब समझदार है, सोचते हैं तोलते हैं। वोट ऐसी चीज है, देखो गरीब जैसे कोई आदमी जाएगा मांगने के लिए, हाथ फैला के कहेगा भाई रोटी दे देगी जनता, पैसा कहोगे पैसा भी दे देगी, कपड़े कहो कपड़े दे देगी, और कुछ जगह कहोगे रहने के लिए वो भी दे देंगे। वोट नहीं देगी किसी गरीब आदमी को, वोट बहुत सोच समझ के देती है जनता। तो इसलिए मैंने कहा आपको, इनको घमंड हुआ इनका तोड़ दिया, किसी और को घमंड होगा उनका तोड़ दिया, पहले भी टूटा है देखो। लेकिन अखिलेश यादव देखिए आजकल बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में, बहुत सारी सीटें जीत कर आए, सदन में भी देखिए आप कह रहे हैं कि सबसे मजबूत आप हैं, और 2027 का जब चुनाव होगा तो आप कहाँ होंगे और अखिलेश यादव कहाँ होंगे, क्योंकि बात तो आप दोनों के बीच बनी नहीं। हम तो उत्तर प्रदेश में ही होंगे, हम उत्तर प्रदेश छोड़ के कहाँ जा रहे हैं भाई, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सहारनपुर के से मैं पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई है, फिर बाकी पढ़ाई देहरादून में हुई है, तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे या देश के किसी कोने में रहेंगे? अब चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में रहेंगे, उसके बाद झारखंड में रहेंगे, महाराष्ट्र में, सब जगह संगठन है भीम आर्मी का, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। राजनीति में कोई एकदम आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जनता में जन समर्थन पैदा होता है। अब जितना हम लड़े, अब देखो आज हम वहां पहुंच गए थे लेकिन पुलिस के लोग रोक लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.